के शो बिरा तकलुफ में मैं हलीमा सादिया आपको खुश आमदीद कहती हूं आज मैं ताहे गोरा के साथ बातचीत करूंगी पाकिस्तान के सियासी भूचालों के हवाले से पाकिस्तान में अकलीतों की सूरत हाल के हवाले से ब्रिक्स समिट के हवाले से और माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से बातचीत का आगाज करते हैं पाकिस्तान के सियासी भूचालों के हवाले से पाकिस्तान के सदर आरफ अलवी की आ, हालिया ट्वीट आ, के बारे में आप क्या कहेंगे जिसमें उन्होंने फॉर्मर हुकूमत के दो बिलों को चैलेंज किया है जी एक्चुअली बड़े इंटरेस्टिंग वो ट्वीट हैं और इस पर पाकिस्तान में बिलाशुबा एक सियासी बंचाल है मगर पाकिस्तान में सियासी बंचाल तो हमेशा ही रहता है ख़ास तौर पर सियासी बोंचाल जो हम इमरान ख़ान की सरकार पिछले बरस अप्रैल 2022 के जाने के बाद देख रहे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है आ और सोशल मीडिया के ज़माने में ये जो इमरान ख़ान ने शेक किया हुआ है या उनकी पार्टी ने जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल को शेक किया हुआ है वो सोशल मीडिया की वजह से ज़्यादा दिख रही है वरना मुझे याद है 1988 के इलेक्शन के नतीजा में जब बेनज़ीर की सरकार बनी थी नवाज़ शरीफ यही काम कर रहे थे जो अब इमरान ख़ान कर रहे हैं तो तब भी ऐसी ही होते थे बल्कि बहुत ख़तरनाक सूरत हाल होती थी तब अब भी वैसी ही सूरत हाल है लेकिन सोशल मीडिया उनको एम्पलीफाई कर रहा है इस सारे मामले को बहर सदर अलवी की जो ट्वीट्स हैं दो ट्वीट्स खास तौर पर एक ट्वीट गालबन दो रोज़ पहले आई जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे अमले ने यानी मेरे स्टाफ ने ही आ, वो आ, बिल वापस नहीं भिजवाया बिल क्या था वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट एक बिल था एक आ, और दूसरा वो पाकिस्तान आर्मी आ, का कोई तरमीमी बिल था और उनका ये अब कहना है कि भाई उन्होंने तो मेरे ही स्टाफ ने वो भिजवाई नहीं हुकूमत को वापस समरी और कहा ही नहीं कि मैं तो इसे एग्री नहीं करता अब फिर उन्होंने एक ट्वीट गालबन गालबन कल दी है आ, उसके बाद उन्होंने कहा जी कि वो मैंने अपने जो सेक्रेटरी जो थे जो मेरे आ, मैंने उनको ही ए, एक तरह से वापस कर दिया है इस्टेबलिशमेंट डिवीज़न को आ, जो होती है वहाँ की सरकार की डिवीज़न कि भई मुझे इनकी ख़िद नहीं चाहिए और उन्होंने एक और लेडी का नाम भेजा है कि मुझे इन इनको भेज दें मेरी ऑफिस के मामला को टेक केयर करने के लिए अच्छा जो पहली ट्वीट है उनकी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और उस ट्वीट को पाकिस्तान के आ, सारे स्टेक होल्डर अपने अपने अंदाज में देख रहे हैं इंसाफ वाले तालियाँ बजा रहे हैं हकूमत के ख़िलाफ़ जो दीगर ग्रुप हैं वो भी तालियाँ बजा रहे हैं जैसे पी टी एम और इस तरह के ग्रुप भी कि भाई ये देखिए इन्होंने तो एक धमाका कर दिया आरफ़ अलवी ने जबकि जो हकूमत जो आ, मतलब इस वक्त निगरान हुकूमत है आ, वो तो अभी भी आई है जो अभी हुकूमत गई है उसके जो लोग हैं ख्वाजा असब जैसे मिनिस्टर थे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ग्रुप के बड़े ही इम्पॉर्टेंट सियासदान हैं वो भी ट्वीट्स दे रहे हैं कि सदर का जो ये रवैया है ये बड़ा ही गैरजिमदाराना है और ये है वो है तो इससे एक बचाल आया हुआ है मतलब यानी पाकिस्तान में ये एक सिचुएशन है कि जो तो इमरान ख़ान के हामी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि भई सदरवी ने तो कमाल कर दिया दो मु, मुखालिफ हैं वो ये कह रहे हैं कि सदर अलवी ने गैर ज़िम्मेदाराना जो इकदाम किए हैं वो अपनी इंतहाओं को छोड़ रहे हैं मैं जाती तौर पर एक मुबसर होने के नाते यहाँ कनाडा में अपने स्टूडियो में बैठे सोचता हूँ तो आ, मैं इस नतीजे पर पहुँचता हूँ कि ये यहमेदारा या गैर जमेदारा हरकत है या अस्पताली बजानी चाहिए या नहीं बजानी चाहिए मगर सदर अलवी की ये हरकत बहुत ही जैसे कहते हैं ना अनप्रोफेशनल कस्म की है इट्स ए फनी थर ऑल ये कैसे मुमकिन है कि सदर अलवी ने इस पर रिएक्ट नहीं किया जब ये बिल उन तक पहुँचे थे और क्यों वो अब कर रहे हैं अब पाकिस्तान से भी मुबसरिन कह रहे हैं और मैं भी किसी हद तक उनसे मुतफिक हूँ इस बात पे कि सदर अलवी अपना पोलिटिकल जो है ना एक आ, एक इमेज अब बिल्ड करना चाहते हैं क्योंकि उनकी ऑफिशियल जो इतलात हैं उनके मुताबिक उनकी जो टन्योर ख़त्म होता है वो नौ सितंबर को ख़त्म हो रहा है तो उन्होंने सोचा कि जाते जाते मैं कोई एक छिका लगाने की कोशिश करूँ चूंकि एज प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान तो उनको कोर्ट अन कोर्ट न्यूट्रल रहना था जो वो रहे नहीं लेकिन बहरहाल अब उन्होंने सोचा मैं तो जा ही रहा हूं तो क्यों ना मैं ये छिका लगा दूँ तो अब इमरान ख़ान हों अलवी हों सभी वहाँ पे चक्के लगाने के चक्कर में रहते हैं और सदर अलवी ने भी यही काम किया तो है इस काम से उनकी कंडमनेशन भी होती रहेगी उनकी गैर जिम्मेदारी को भी लोग याद करते रहेंगे और उनकी पार्टी वाले उनको सराहते रहेंगे और देखने वाली बात यह कि अगर हम अपना पांव सदर अलवी के जूते में डालें तो सदर अलवी बहरहाल एक पॉलिटिकल फिगर हैं वो चाहते हैं कि जाते जाते वो फिर से तहरीक इंसाफ के एक हीरो के तौर पर उभरे क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने आगे भी सियासत करना है इस बात का इम्कान था और शायद अभी भी हो कि वो मज़ीद कुछ महीने सदर रह सकते थे अगर वो अपने आप को ख़ामोश रखते और प्रोफेशनली कंडक्ट करते जो उन्होंने नहीं किया तो बहरहाल पाकिस्तान में अब लीगल जो एक्सपर्ट्स हैं वो दो मामलों में बटे हुए हैं कुछ का ये कहना है कि सदर अलवी के ऐसा कह देने से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन दोनों बिलों को रद्द कर देगी कुछ का ये कहना है कि ये बिल ऑलरेडी मंजूर हो चुके हैं अगर सदर अलवी को कुछ करना था तो उनको तब करना था जो उन्होंने नहीं किया और वो एक दस दिन का एक पीरियड होता है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कि वो चूंकि वो दिन गुजर गए हैं तो इसलिए ये बिल ऑलरेडी बिल के तौर पर आ, पास हो चुका है क्योंकि उन्होंने इस पर दस दिनों के अंदर अंदर कोई बात नहीं की थी अब अगर वो जैसा कि इल्ज़ाम लगाते हैं सदर अलवी कि मेरे अमले ने इस बिल को वापस नहीं भेजा अगर वो वापस उनका अमला फ़र्ज़ कीजिए उन्होंने नहीं भी भेजा वापस भेज भी देता उनका अमला तो इसका मतलब तो यही है ना कि सदर अलवी ने इस पर साइन नहीं किए थे और वो ऑटोमेटिकली उस बिल ने पास हो जाना था क्योंकि दस दिन तो गुजर ही गए थे तो एनी हा ये एक ड्रामाबाजी है और पाकिस्तान में इस तरह के जो सियासत में हथकंडे बरते न, 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 जाते हैं मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की तरफ से वो कोई नई बात नहीं लेकिन आ, ये जो सियासी हथकंडा है या इस तरह के माजी में सियासी हथ उससे पाकिस्तान को या पाकिस्तान के जमुरी नज़ाम को कोई फ़ायदा नहीं होता ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना गिम्बिट्स हैं और एक खिलाड़ है जिसको खिलवाड़ बोलते हैं वहाँ पे और हम इसको खिलाड़ भी कह देते हैं तो एनी हाउ इससे कुछ निकलने वाला नहीं है सवाल ये कि हम भी यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं और पाकिस्तान की टेलीविजन स्क्रीनें भी इस पर बात कर रही हैं उनको एक कंटेंट मिल गया और थोड़ी गर्मा गर्मी होगी एक दो पटिशन जाएगी सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट भी थोड़ा एक्टिव होगी देखते हैं कैसे एक्टिव होती है क्या उस पर वो लेते हैं आ, लेकिन बहरहाल इस जस्ट आई थिंक इसका कोई हासिल असूर नहीं है तो क्या पाकिस्तान में ये सियासी भूचाल और सियासी सूरत हाल कभी ख़त्म हो सकेगी सियासी सूरत हाल तो ख़त्म नहीं होनी चाहिए लेकिन जो सियासी बंचाल होते हैं वो भी हर कौम में होते रहते हैं आ, हम ये तो नहीं करते कि वो किसी भी कौम में ख़त्म हो जाए वो चाहे किसी मुल्क में जमहूरियत हो चाहे ना हो चाहे लुली लंगड़ी जमहूरियत हो जैसा कि पाकिस्तान की सूरत में है सियासी टर्मोइल पोलिटिकल टर्मोइल तो चलते रहते हैं लेकिन ये वाली जो सियासी बंचालों की ड्रामेबाजी वाली कैफियत है ये मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में मतलब मुझे मुस्तकबिल करीब में तो क्या मुस्तकबिल दूर में भी नज़र नहीं आता कि यह कभी ख़त्म होगी इसलिए कि यह माइंड सेट के साथ जुड़ी हुई है विक्टिम उठ का कार्ड है आ, कभी ये नेशनल लेवल पे विक्टिम उठ का कार्ड होता है कभी ये पॉलिटिकल पार्टियों का अपनी अपने सर्वाइवल के लिए एक विक्टम का कार्ड है जैसे सदर अलवी ने भी ये एक विक्टम का कार्ड ही खेला है अपनी पॉलिटिक्स को बचाने के लिए ताकि वो ये तासर न जाए जब वो सदारत के अहदे से हटें कि भाई वो तो बहुत ज़्यादा हकूमत के साथ ऑन बोर्ड हो गए थे जब हकूमत हम कहते हैं तो पाकिस्तान में वो इस्टेबलिशमेंट है तो इस सारी सूरत हाल में मेरा ये ख्याल है कि सियासी टर्मोइल भी चलते रहते हैं दुनिया के हर मुल्क में चलते रहते हैं सियासी सूरत हाल भी जाहिर जिंदा रहनी होती है लेकिन इस तरह की जो ड्रामेबाजियाँ हैं वो मुझे कम होती नज़र नहीं आती वो अगर कम हो जाए तो फिर पॉलिटिक्स थोड़ी सी मीनिंगफुल हो जाती है थोड़ी सी आ, पॉजिटिव हो जाती है कंस्ट्रक्टिव हो जाती है डेमोक्रेटिक हो जाती है वो मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान की जो मेजर मेन uh, जो पॉलिटिकल शख्सियतें हैं या जो पाकिस्तान की मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या पाकिस्तान के मेन जो गवर्नेंस के इदारे हैं जिसमें फ़ौज भी है ब्योरक्रेसी भी है उनमें ये काम हो सकेगी और सियासतदानों में अनफॉर्चुनेटली तो ये किसी सूरत भी कम होती नज़र नहीं आती उनका तो काम ही सियासत करना होता है लेकिन उसके साथ साथ जो ड्रामेबाजियों की इंतहा है पाकिस्तान में वो बहरहाल बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल को छू रही है क्योंकि इस सूरत हाल को अगर हम मज़ीद बिगड़ता हुआ देखें तो इसका फ़ायदा दर हकीकत इन सियासी पार्टियों को भी नहीं होगा और पाकिस्तान को भी नहीं हो सकता तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो ड्रामे हैं वो ड्रामे ड्रामे ठीक करने से ड्रामे ठीक हो सकते हैं हाँ मतलब कुछ भी नहीं मैं मैं समझता शायद वो भी ठीक नहीं हो सकते जो जो उनके ड्रामाज हैं वो, वो भी ठीक नहीं हो सकते इसलिए कि ये सब बातें इनके माइंड सेट के साथ जुड़ी हुई हैं जब माइंड सेट ही ऐसा हो मतलब मैं जब कभी पाकिस्तान के चैनल्स पे और पाकिस्तान के मुबसरीन को सुनता हूँ तो हर बात में वो चाहे वो किसी पार्टी के लोग हो चाहे उनका कोई अहदा हो वो प्रोफेशनल बातें करने की बजाय हर चीज़ में मज़हब को घुसेड़ते हैं मज़हब को कोट करते हैं अच्छा मज़हब उनका मसला नहीं होता और मज़हब वैसे पाकिस्तानियों का मसला हो भी कितना सकता है इसलिए कि मज़हब जो इस्लाम है जो वहां का मेन धर्म है वो तो अरबों से आया है और हमने पिछले शो में बात की थी जो अरबों का इस्लाम है वो उनका इस्लाम है वो उसको अंडरस्टैंड करते हैं ये जो उस इस्लाम को बरतते रहते हैं ना इनको अरब कुछ समझते हैं ना ये खुद वट मीन इट वट दे इवन पाकिस्तानी पॉलिटिशन और ये इदारों के लोग चलो एक तो होता है ना मीन होता है कि भाई वट वट यू से यू मीन इट वट एक्चुअली दे से दे इवन डोंट अंडरस्टैंड कि ये क्या कर रहे हैं बस ऐसे एक तोते की तरह वो रटी रटाई बातें हैं लेकिन उन पे ये बिलीव बहरहाल जरूर करते हैं ना जानने के बावजूद अपने अकायद को और अपने अकायद की डेप्थ को जाने बगैर ये उस पर बिलीव बहुत करते हैं और उसका इस्तेमाल बहुत करते हैं डर हकीकत अपनी इनकी प्रैक्टिकल जिंदगी में वो जो अल्लाह रसूल की बातें वो करते रहते हैं उनका कोई अमल दखल नहीं है ये बहुत बड़ा डलम है। है। वो मतलब उनकी प्रैक्टिसिंग जो चीजें कोई नहीं है थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल जो जो मतलब उनकी स्पिरिट है जैसे ही चूंकि इस्लाम को हर वक्त तोते की तरह बरतते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि अगर मतलब जैसे ही प्रॉफ़िट मोहम्मद को कोट करते रहते हैं उनकी बातों को कोट करते रहते हैं अगर ये प्रैक्टिकली उनकी स्पिरिट को समझ लें जो उनकी ह्यूमन स्पिरिट होती है ह्यूमन स्पिरिट और ह्यूमेन स्पिरिट तो ये वो हरकतें ना करें क्योंकि किसी भी धर्म के जो लीडर होते हैं जैसे हमने सिखम में बाबा नानक जी को देखते हैं इस्लाम में प्रॉफिट मोहम्मद को देखते हैं जीसस की बातों को देखते हैं मूजस की बातों को देखते हैं लॉर्ड कृष्णा की बातों को देखते हैं तो इन सब की बातों में जो स्पिरिट है वो बहुत अच्छी होती है इसीलिए स्परिचुअलिटी जो है जी वो बेसिकली वो रूट कनाल है इन तमाम कनाल्स को जोड़ने के लिए हाँ वो एक अपने तौर पर अलग बहस है मगर ये जो इस तरह की बातें करते हैं कि जी मतलब आ, मैं अल्लाह को हामीसर बना कर ये बात कर रहा हूँ जैसे सदर अलविन अपनी ट्वीट में लिखा इनका इनकी अंडरस्टैंडिंग वो नहीं होती इनका मकसद भी वो नहीं होता बस उसको यूज़ करना है और फिर उसके नतीजे में ये ना अंडरस्टैंड करते हैं उसका भी गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं इस्लामिक जो जो स्पिरिट है या आइडियोलॉजी को भी गलत बरत रहे होते हैं और उसका मकसद भी इनका नहीं होता सिर्फ अपने छोटे चोट छोटे पैटी गठिया किस्म के जो मकासद होते हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए ये सारे ड्रामे मज़बी ड्रामे भी करते हैं चलिए अब पिछले हफ्ते मसीहों पर जड़ाँला में होने वाले हमले के हवाले से आप पाकिस्तान के सियासी और समाजी हल के का इजहार कर रहे हैं आ, क्या आप समझते हैं कि उनकी इस पशेमानी से अकलीतों के दुख दर्द का मदावा हो सकेगा नहीं ये बड़ा इम्पॉर्टेंट इं, सवाल आपने किया आ, ये एक आ, थोड़ी सी अपरेंटली अच्छी बात लगी कि जड़ा वाला आ, पर हमले के बाद जिस तरह पाकिस्तान के समाजी हलके और सियासी हलके कम से कम दिखावे की हद तक ही सही बोलने की हद तक ही सही आ, इसकी मजम्मत कर रहे हैं सिर्फ आ, वो प्राइम मिनिस्टर जो नए आए हैं मिस्टर काकड़ उनकी मजम्मत ही नहीं चीफ द स्टाफ की मजम्मत ही काफ़ी नहीं या फिर वहाँ वहाँ पर जो पाकिस्तान के नए आने वाले चीफ जस्टिस हैं काजी फाइजी साहब जिस तरह गए वो भी खैर एक मतनाज़ा बात बनी कि क्या उनको जाना भी चाहिए था कि या नहीं जाना चाहिए था चलिए उनकी भी अब मतलब आवाज़ उठी चाहिए तो ये था कि सुप्रीम कोर्ट सो मोटो लेते हुए कोई इस पर शदीद एक्शन का इजहार करती ये जो पब्लिक कंजम्पशन के लिए फ़ोटो आप और ये सब कुछ जो है इसके बजाय ये होता दूसरा चलिए हमने माजी की नस्बत एटलीस्ट इस बार ये तो देखा कि मुंह दिखावे के लिए कुछ ये लोग बातें कर रहे हैं मगर जैसा मैंने अभी कहा कि इनका जाना या इनका बोलना चीफ आर्मी स्टाफ का प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का या और लीडर्स का बोलना ही इम्पॉर्टेंट और काफ़ी नहीं आवाम में से भी इस बार कुछ हमें थोड़ी सी थोड़ी सी शौर आ, की एक रमक देखने को मिली जैसे जड़ों की मसाजद ने जो हमने मीडिया पे देखा क्रिश्चन्स को ऑफर की कि जी आपके चर्च को जला दिए गए हमें दुख हुआ आप हमारी मसाज़त को इस्तेमाल करें और यहाँ पे आके अपनी इबादत करें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि ये ग्राउंड की रियलिटी देखिए जो मसीहों के साथ अभी बुरा सलूक हुआ और आए दिन हुआ रहता है वो अवाम ही करती है ना ग्राउंड के लोग हैं वो प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट तो नहीं कर रहा होता तो इसलिए अवाम की तरफ से और ख़ासतौर पर लोकल कम्यूनिटीज़ की तरफ से ये ऑफर करना ये मेरे लिए बड़ा पैगाम है ये मेरे लिए अच्छी बात है कि चूँकि जो लोग गली मोहल्ले के लोग ही इन बेचारों को नुकसान पहुँचा रहे होते हैं तो गली मोहल्ले के लोगों को ही आगे आना है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी दाद रसी के लिए तो अगर पाकिस्तान में ये वाला अमल हो तो मैं इस पर फिर मुझे कोई उम्मीद की किरण नज़र आएगी अगर सिंध के इलाकों में सिंधी कम्यूनिटीज़ एक्टिव हों और रोकें उन लोगों को जो सिंधी बच्चियों को हिंदू बच्चियाँ जो हैं उनको उठा के ले जाते हैं उनको फोर्सफुली जब वो कन्वर्ट करते हैं इस्लाम में और जब उनके साथ ज्यातियाँ करते हैं तो वो फिर सिंधी खड़े हों सिंध की दीगर मसाजद खड़ी हों जो मियां मिठू को बताएं कि तुमने इस्लाम का लबादा ओढ़ के जो ये आ, जलील काम कर रहे हो हम हम तुम्हें रोकेंगे जिस दिन यह हुआ वहां पर जिस दिन सिंध की मसाजिद खड़ी हुई अपने कोट अन कोर्ट अकलीतों के तहफ के लिए मैं लफ्ज अकलीत अच्छा नहीं समझता मैं इसकी वजात भी अभी करूँगा लेकिन चलिए अगर वो अकलीत कहते हैं तो वो जब तक वो लोग आगे नहीं आएंगे गली मोहल्ले के लोग कम्यूनिटियों के लोग वो हाथ नहीं रोकेंगे आइंदा जब कभी इस तरह चर्च पर हमला हो तो जब मुझे कभी लोग नजर आए जो उस हमले करने वालों को रोकेंगे वो जो लाठियां बरसाने वाले लोग हैं जो आग लगाने वाले लोग हैं जब वो आते हैं तो जब गली मोहल्ले के लोग उठेंगे उनकी लाठियों को रोकने के लिए उनकी आग को रोकने के लिए तो फिर ये मसले का हल निकलेगा ये गवर्नमेंट्स के और हेड ऑफ द स्टेट बड़े बड़े लोगों के स्टेटमेंट से कोई मसले का हल नहीं है चलिए इसी हवाले से अब इस तरफ आते हैं कि ये एक समाजी शौर का मामला है तो क्या पाकिस्तान का समाज अकलीतों को मसावी हकूक देने की राह पर निकल चुका है या निकलेगा या निकल पड़ेगा हर नहीं निकल चुका तो खैर बिल्कुल नहीं है क्या निकल सकेगा ये इंपॉर्टेंट है वही बात जो मैं अभी कर रहा था उससे अपनी बात को जोड़ता हूं जब तक प्रैक्टिकली ये होता हमें नजर नहीं आता अभी तो हमने दो चार जगहों से ये आवाज सुनी अब मुझे नहीं पता वहाँ ग्राउंड पे जो हमारे मसीही बहन भाई हैं वो मैं बता सकते हैं कि जो उनको ऑफर्स कर रहे हैं वो कितनी सिंसियर ऑफर है देखिए उनके बीस से ज़्यादा चर्च जला दिए गए हैं हजारों लोग डिसप्रेस हो गए हैं सैकड़ों मकाना जला दिए गए हैं अब देखने वाली बात यह है कि उनके चर्च बिल्ट करने में रीबिल्ड करने में ये लोकल कम्युनिटीज़, गवर्नमेंट की मदद के साथ साथ गवर्नमेंट का काम है फाइनेंस दे ताकि वो चर्च रीबिल्ड हो कम्युनिटी के लोगों का फ़र्ज़ है कि वो ईंटें अपने हाथों से लगाएं ये समाजी शौर का मामला नहीं लगता नहीं समाजी शौर का मामला ये तो समाजी शौर के बगैर तो सोसाइटीज ठीक नहीं हुआ करती ना ये सिर्फ गवर्नमेंटें ठीक नहीं किया करती ये तो पूरे का पूरा फिर ए, 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 एक ऑपरेट सिस्टम होता है अभी जो मैं कह रहा हूँ कि मुझे जो एक उम्मीद की हल्की सी किरण नजर आई है वो ये है कि जब वो अहल हदीस मस्जिद के लोग गए हैं क्रिश्चियंस के पास उन्होंने कहा कि हमें दुख हुआ है और उसके बाद उन्होंने ऑफ़र की है कि आप हमारी मस्जिद को अपनी इबादत गाह के तौर पर अपनी चर्च के तौर पर इस्तेमाल करें अगर वाकई ही इसमें सच्चाई है अगर वाकई ही इस ऑफर में सिंसियरिटी है दिखावे का काम नहीं है अगर वाकई ही वो मुल्ला हजरत और वो लोग जो हैं वो उनका साथ देते हैं तब ये जो उम्मीद की क्रम हम यहाँ बैठे सुन रहे हैं या देख रहे हैं प्रैक्टिकली अगर ये डलती है तो फिर मैं कहूँगा कि पाकिस्तान में समाजी तब्दीली आना शुरू हुई है फिर मैं जो मेरे जैसा जो मुबसर है जो क्रिटिक है पाकिस्तान के सिस्टम पे, मैं अप्रीशियट करूँगा मैं उनको खराज तहसीन पेश करूँगा मैं उनको सल्यूट मारूँगा उन मुलाओं को सल्यूट मारूँगा हम हमेशा मुलायत के ख़िलाफ़ भी बात करते रहे उनकी इन्हीं हरकतों की वजह से जिनकी वजह से ये अब चर्च जलाए गए लेकिन अगर यही मुलायत उनको रेस्क्यू करती है उनके लिए अच्छे काम करती है उनको प्रोटेक्शन देती है तो हम इसी मुलाइयत को अप्रिशिएट भी करेंगे हम इसी मुलायत को सल्यूट भी मारेंगे ऐसी बात नहीं है कि हम कोई तनकीद ब्राए तनकीद कर रहे होते हैं हम तो सोल्यूशन चाह रहे होते हैं देखना तो जो आप बात कर रही हैं कि समाजी जो शौर की बात है वो सिर्फ शौर दिखावे का या कहने की हद तक का नहीं है जब तक चर्च बनाने की ईंटें रखते नहीं ये सब लोग इंक्लूसिव जब तक हाँ जब तक जब तक वो ऐलान नहीं होता मस्जिदों में चूँकि अभी कुछ मसाजिद में ऐलान हुआ था कि ये मसीहियों के घरों को जला दिया जाए या, या इन्होंने तोहन किया निकला मुसलमानों इन इन इनको तो नबूद कर दो जब मसाजद में यह ऐलान होगा कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे इलाके की किसी हिंदू बच्ची के साथ ज्यादती हो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी मंदिर चर्च या गुरुद्वारे को किसी किस्म का नुकसान हो ठीक है तो फिर मैं कहूँगा कि भाई ये शऊर आया है अब हम इस सोसाइटी को सलाम करते हैं यकीन कीजिए जिस दिन इन्होंने ये काम कर दिया पूरी दुनिया इनको सर पे बिठाएगी और ये दुनिया में कहीं से कहीं जाएंगे यानी इनकी परवाज ऊंची जाएगी जिस दिन इन्होंने ये कर दिया तो इसी का तो हम मंतजर हैं अब पता नहीं हो पाता है कि नहीं हो पाता एक उम्मीद की हल्की सी किरण हमें दिखाई दी है अब पता नहीं वो टिमटमाती किरण आ, क्या फौरन ही आ, आ, दम तोड़ देगी या कहीं ये आगे बढ़कर एक बड़ी लॉ की शक्ल में हमारे सामने आएगी चलिए अब बात करते हैं ब्रिक्स के हवाले से तो इस बार दुनिया की नजरें ब्रिक्स समिट पर लगी हुई हैं इस साल साउथ अफ्रीका में होने वाले ब्रिक्स समिट को आप कैसे देखते हैं इस पर तबसरा कीजिए जी देखिए ब्रिक्स जो है वो एक ऐसा इतिहाद पांच मुल्कों का जिसमें इंडिया चाइना रशिया साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील है यानी साउथ अमेरिका अफ्रीका और एशिया एशिया के तीन टाइगर और साउथ अमेरिका का एक बड़ा अहम मुल्क ब्राज़ील और अफ्रीका का आलमोस्ट वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री साउथ अफ्रीका इसमें शामिल है और ये पुराना है गालबन इस साल 22 से 24 अगस्त के दौरान पंद्रहवा इजलास गालबन पंद्रवा हो रहा है लेकिन इस बार ब्रिक्स पे दुनिया की नज़रें ख़ास तौर पर लगी हुई हैं इसलिए कि रूस यूक्रेन के जंग के तनाजर में आ, बड़ी डिबेट्स दुनिया में सप्लाई चेन की गंदम की एनर्जी की चल रही हैं क्राइसिस भी साथ, साथ चल रहे हैं और रूस इसका हिस्सा है वलादि मेर प्यूतन के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल कोर्ट ने एक एक वर्डिक्ट दिया हुआ है जिसके मुताबिक उनको गिरफ्तार करना है तो वलादि मेर प्यूतन के बारे में कहा जा रहा है कि वो शायद इसी आ, किसी इस तरह के मतलब मंजर से बचने के लिए इस तरह के सीन से बचने के लिए वो इन पर्सन इस अजलास में नहीं शिरकत कर रहे मगर वो वीडियो लिंक पर आएंगे अच्छा इस ब्रिक्स के इस इजलास आ, के होने से पहले ही कई महीनों से ये चर्चा चल रही है कि ब्रिक्स कोई शायद अपनी करेंसी लाएगा या डी डॉलराइजेशन यानी डॉलर से अपनी जो है मतलब उसे नाते थोड़े काम करने के लिए मैं तोड़ना नहीं कह रहा क्योंकि पॉसिबल नहीं है चाइना के लिए भी पॉसिबल नहीं है इवन आप हाँ एक, uh, वो शायद यही है कि भाई ठीक है हमारी करेंसी भी इंपॉर्टेंट है ऑलरेडी भारत की और रूस की रोबल रुपयों में चल रही है चाइना uh, की भी कुछ देशों के साथ उनके लोकल करेंसीज में चल रहा है ट्रेड चल रहा है तो अब ये डी डॉलराइजेशन की बात भी चल रही है और इस इजलास में गालबा पचास से ज्यादा मुल्क मतलब एज ऑब्जर्वेंट शिरकत कर रहे हैं तो इसकी ये अहमियत भी बहुत है तो चूँकि भारत भी इस वक्त दुनिया की चौथी बड़ी इकानमी और तीसरी बड़ी इकॉानी बनने के सफ़र पर है और आ, भारत ने ग्लोबल साउथ का भी एक बहुत बड़ा लीडरशिप का काम संभाल लिया हुआ है तो ये जो ब्रिक्स का समिट है इस पर सिर्फ अफ्रीका एशिया साउथ अमेरिका इनकी ही नज़र नहीं है वेस्टर्न वर्ल्ड भी आंखें जमाए हुए हैं वो देखना चाह रही है कि इस ब्रिक्स के इजलास में क्या मेमोरेंडम सामने आते हैं क्या वर्ल्ड लीडर जो हैं इनके एक्शन सामने आते हैं क्योंकि भारत आ, चाइना रशिया आ, का अगर हम जो लैंड साइज़ है इन तीनों देशों का ही अगर हम इकट्ठा कर दें तो ये दुनिया का बहुत बड़ा लैंड साइज़ है यानी अमेरिका कनाडा दोनों से बढ़कर इनका लैंड साइज़ है और अगर पॉपुलेशन को हम देखें तो आलमोस्ट ये दुनिया की थर्टी फोर्टी परसेंट पापुलेशन का ये है हिस्सा हैं और फिर जाहिर है इनकी इकॉनमी भी इनकी कंजम्पशन भी इसी रेशो में है तो दुनिया की निगाहें जुड़ी हुई हैं लगी हुई हैं इस ब्रिक्स समिट में और इस ब्रिक्स समिट में भारत ख़ास तौर पर इस वक्त फोकल पॉइंट है उसका चूँकि रशिया क्रिटिसिज्म के वो आ, वो इस वक्त आ, रेडार पे है खास पर वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से और चाइना भी वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ उसके हैं चाइना और भारत के भी हैं मगर ट्रेड भी है और ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि चाइना और भारत दो बड़े दुनिया के पॉपुलेटेड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज जो हैं वो एक ही क्लब में बैठे हुए हैं वैसे तो वो शंघाई कॉरपोरेशन में भी इकट्ठे हैं जो शंघाई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी इकट्ठे हैं मगर ब्रिक्स एक बड़ा प्लेटफॉर्म है शायद शंघाई ऑर्गेनाइजेशन से भी बड़ा क्योंकि इसमें अफ्रीका और साउथ अमे, अमेरिका भी आते हैं तो इसलिए इस से समिट की बहुत अहमियत है दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं कि इस समट के नतीजा में क्या मेमोरेंडम सामने आते हैं क्या अंडरस्टैंडिंग सामने आती है और ये मुमालिक और इनके साथ जो जुड़ने वाले पचास से ज़्यादा ममालिक हैं वो अपने इकनॉमिक और सिक्योरिटी मुस्तबल का फैसला क्या करते हैं हमारे कनाडा में हर तरफ़ वाइल्ड फायर्स फैली हुई हैं अमेरिका में सु, तूफ़ान समंदरी तूफ़ान चल रहा है अगर दुनिया भर में शदीद मालियाती तब्दीलियाँ चल रही हैं माहौलियात के हवाले से आप इस हाल पर क्या तबसरा करना पसंद करेंगे देखिए हमने पिछले हफ्ते के शो में भी इस पर बात की थी ख़ास तौर पर जो वाइल्ड फायर का मामला हवाई में हुआ था और ये एक बहुत सीरियस इशू है हमारी भारतीय सिविलाइजेशन में इस धरती को एक ख़ानदान समझा जाता है और हम सब उसके जो जीने वाले लोग हैं वो उस ख़ानदान का ऐसा है सिर्फ इंसान ही नहीं बाकी भी अच्छा ये जो तो वाइल्ड फायरस होती हैं हम अमेरिका में भी इससे हम इंसानों को जो जो थ्रेट्स हैं वो तो हैं ही हैं वो जो बेचारे ना बोल सकने वाले आ, हमारे आ, स्पी हम हमारे फेलो स्पीशीज हैं जो लाखों करोड़ों की तादाद में जो जानवर हैं शायद बोलते हैं लेकिन उनकी कम्युनिकेशन अपने आ, अप, लेकिन वो वो हम उनकी कम्युनिकेशन को आगे पहुंचा नहीं रहे अमेरिका में ही वाइल्ड फायर में हर साल कहते हैं कि लाखों ये जो गाय बैसे हैं ये बेचारी मर जाती एरिजोना में शायद मतलब डिफरेंट जहाँ जमी वाइल्ड फायर होती है अच्छा सिर्फ ये तो वो है ना गाय भैंसे तो वो हैं जो जिनका इंसान के साथ नाता रिश्ता बहुत करीब का होता है फूक चेन भी हैं और मतलब डेयरी का भी एक मतलब समुंदर ये, ये जो मखलूक है भारत में इसलिए तो इनको बहुत ही इज्जत की निगाह से देखा कॉन्ट्रीब्यूटर है human life ओ, मतलब मैं भारतीय सिविलाइजेशन भारतीय तहजीब का इसलिए आशक हूँ कि वो समझते हैं वो थैंकफुल सिविलाइजेशन है कि जो आपको कॉन्ट्रीब्यूट करता है आप उसको प्रणाम करें आपकी लाइफ में ठीक है ना मतलब आप उसको अपना देवता माने देवी माने जो जो आपके लिए अच्छा करता है ये बहुत थैंकफुलनेस uh, का जो एटीट्यूड है ना भारतीय सिविलाइजेशन का ये दुनिया धीरे धीरे समझ रही है ये बहुत हाईली अप्रिशिएबल है अच्छा ये तो बेचारे वो हैं जो जो जिनका हम इंसानों के साथ तल्लुक़ वास्ता होता है आप अंदाजा कीजिए ऐसे जानवर जिनको हम थ्रेट समझते हैं या वो वो हमें थ्रेट समझते हैं एक्चुअली तो बहुत सारे जानवर जो हैं जिनको हम बड़े खौफनाक समझ रहे होते हैं वो इंसान से बेचारे डर रहे होते हैं अब वो बेचारे लाखों करोड़ों की तादाद में इस वाइल्ड फायर का बनते चूंकि जंगलों में लगती है ये वाइल्ड फायर जंगलों में इंसान तो रह नहीं रहे होते वहां तो ये स्पीशीज ही आ, हजारों किस्मों की रह रही होती है वो बेचारे ना मतलब बुन के फना हो जाते हैं और मेरा ख्याल है हम जिस वर्ड पे खड़े हैं इसमें कोई एग्जिस्टेंस है वो अनसीमिंगली बहुत कुछ हमारे लिए कर रहे हैं एनवायरमेंट में है? जो अगर वो ना हो तो पॉसिबल नहीं है हाँ ये ये एक बैलेंस है ना प्लानट हमारा ये जो प्लानट है जिसको हम अर्थ कहते हैं ये दुनिया की यूनिवर्स जिनको हम बोलते हैं उसका एक छोटा सा पार्ट है तो इसका एक अपना मेकनिज़म है बिकॉज ह्यूमन इस पर रहते हैं तो वो उस पर बहुत रिसर्च करते रहते हैं तो बाहर की जो दुनियाएँ हैं वो हमारी रिसर्च से बाहर हैं कुछ पे रिसर्च हुई है लेकिन आ, वो उस पर चूँकि हम रहते नहीं हैं तो उस तरह हम जानते नहीं हैं तो ये जो क्रिएटर्स है या ये जो क्रिएटर्स हैं मैं तो यहाँ तक कहूँगा ये जो इस पूरे फाइन सिस्टम को चलाने वाले हैं वो वो जो क़वतें जिनको मैं यूनिवर्स समझता हूँ जैसे सूरज हवा पानी ये जो बड़े बड़ी पावर्स हैं तो वो वो फिर हम इंसानों के जो छोटे से ब्रेन बॉक्स हैं उनको कुछ मैसेज देती हैं ये बड़ी बड़ी ताकतें और हम समझते हैं कि हमने सारी चीज़ें समझ ली ऐसा हरगिज़ नहीं हम तो शायद रती भर भी समझ नहीं सके लेकिन बार जितना हम समझ सकते हैं उस सारी सूरतआल में ये जो इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और इन इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से जिसको ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं और ये भी एक दुनिया की राइट की जो पॉलिटिक्स है जिसको हम कंज़रवेटिज़म की पॉलिटिक्स कहते हैं उसमें वो मानते नहीं हैं ग्लोबल लेकिन जो आज का मॉडर्न कन्जरवे आइडियोलॉजी वाला मामला है वो उसको मानते हैं वो वो इन इश्यूज को मानते हैं लेकिन वो कहते हैं कि लेफ्ट वाले ग्लोबल वार्मिंग को ज़रा बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं अच्छा राइट वाले कुछ ऐसे राइट वाले भी हैं वो कहते हैं ये एग्जिस्ट ही नहीं करती रियलिटी कुछ कहते हैं कि करती है रियलिटी एग्जिस्ट करती है और लेकिन ये लेफ्ट वाले बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं अब लेफ्ट वाले भी कई तरह के हैं इसीलिए तो हम कहते हैं सेंटर लेफ्ट जो सेंटर लेफ्ट सेंटर राइट वो ज़रा करीब करीब सोच सोचने वाले लोग हैं फार लेफ्ट और फार एक्सट्रीम राइट्रीम एक्सट्रीम वो वो तो खैर हमारे अपने जो इंसानों के ब्रेन हैं जिस तरह हम सोचते हैं जिस तरह माइंड हैं तो उसमें ये सब वेराइटी होती है देर इज नथिंग रॉन्ग इन हैविंग सो मैनी डिफरेंट ओपिनियंस लेकिन उसके साथ साथ चाहे आप आ, 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 फार लेफ्ट के हों चाहे फार राइट के हों यह फर्ज बनता है कि आप कॉमन सेंस यूज करें अपने अपने रिफेक्ट्रिक पे ना बिल्कुल सख्त ना हो जाए जिस तरह मजहबों के कटर प्रस्त लोग हो जाते हैं ना इसी तरह ये आइडियोलॉजी के जो मानने वाले लोग हैं ये भी अपनी अपनी आइडियोलॉजी पे बहुत ही कटर हो जाते हैं तो देर मस्ट बी अ बैलेंस इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग रियलिटीज ऑन दिस प्लान थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर व्यूज टुडे आज का बिला तकल्लुफ शो मेरे और ताहिर असलम गोरा के साथ देखने का बहुत शुक्रिया आप हमारे टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे इसी चैनल पर मौजूद डोनेट के बटन को दबाकर आप पेट्री पेपॉल या क्रेडिट कार्ड के जरिए डोनेट कर सकते हैं subscribe tag tv youtube channel and press the notification button